नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गीतांजलि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो 3 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। इस मौके पर ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास, केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, रेल और सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विन वैष्णव के साथ साथ ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक सहित कई लोग मौजूद रहेंगे। इस दौरान राष्ट्रपति बादम पहाड़ रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखेंगे। इस मौके पर दक्षिण पूर्व रेलवे के CPRO आदित्य चौधरी ने कहा कि आज राष्ट्रपति महोदया 3 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने के लिए आ रही हैं और हमारे साथ ट्रेन में वो यात्रा करेंगी, इसीलिए ये एक बड़ा अवसर है। 3 ट्रेनें हैं, बादम पहाड़ टाटा नगर मेमो, बादम पहाड़ राउरकेला साप्ताहिक एक्सप्रेस और बादम पहाड़ शालीमार साप्ताहिक एक्सप्रेस। इससे इस क्षेत्र के लोगों के लिए कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी। राष्ट्रपति बादम पहाड़ शालीमार साप्ताहिक एक्सप्रेस के लिए सब लोग काफी उत्साहित हैं। टाटानगर बादम पहाड़ मेमू, शालीमार बादम पहाड़, शालीमार साप्ताहिक एक्सप्रेस। राष्ट्रपति 200 स्कूली छात्रों के साथ इन्हीं ट्रेन में सफर भी कर सकती हैं। राष्ट्रपति बादाम पहाड़ शालीमार एक्सप्रेस में सवार होंगी और 200 स्कूली छात्रों के साथ राय रंगरपुर तक 32 किलोमीटर की यात्रा भी करेंगी। ये पहली बार है जब राष्ट्रपति विशेष राष्ट्रपति ट्रेन के बजाय सामान्य AC ट्रेन में यात्रा करेंगी। ये ट्रेन ओडिशा के खनिज समृद्ध क्षेत्रों, झारखंड के औद्योगिक क्षेत्रों से होकर गुजरेगी और पश्चिम बंगाल राज्य के साथ तेजी से कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करेगी। आसपास के क्षेत्रों के लोग भी कोलकाता जाने के लिए इस ट्रेन सेवा का लाभ भी उठा सकेंगे। फिलहाल राष्ट्रपति मुर्मू आज ओडिशा के दौरे पर हैं, जहां पर वो नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने वाली हैं, जिसके बाद वो ट्रेनों में करीब 200 स्कूली बच्चों के साथ सफर भी करने वाली है।